मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेव दाय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शुभचरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वात्सल्य दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूं, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 14 जनवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु हेमंत, चंद्र मास जो है वो पौष मास है, पक्ष शुक्ल है दोस्तों। तिथि दोस्तों आज की तृतीया तिथि है, सुबह 8 बजे के बाद विनायक चतुर्थी शुरू होगी दोस्तों। वार जो है इतवार है। नक्षत्र दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र है। सुबह 10:22 के बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो। योग दोस्तों व्यतिपात योग है। देर रात 2:39 के बाद वरियान योग शुरू होगा। गरज करण जो है दोस्तों आज के लिए, सुबह 8 बजे के बाद वनिज करण शुरू होगा और शाम 6:28 के बाद निष्टिकरण शुरू होगा, और कल सुबह 5 बजे के बाद भोर करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है धनु राशि में होगा, चांद कुंभ राशि में, मेष राशि में गुरु होंगे, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:16 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:19 पर होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्त मानस ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरो में सब शोभन नाम सत्सरी उत्तरायण में हेमंत ऋतु पौष मासे शुक्ल पक्ष इतवार वासरे धनिष्ठा नक्षत्रे व्यतिपात योगे गरज करने तृतीया शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ापा मोह पात्र तुरुतक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों यह संकल्प जो है यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ो दोस्तों। दोस्तों इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8 बजे तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर वाले बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प तैयार करें, और उसमें आप करने जा रहे हैं उस विधि का उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों मुहूर्त विभाग में अब हम देखेंगे धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 22, 24, 25, 26 और 31।
नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 22, 25, 30, 31 फरवरी तारीख 2 और 4। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 18, 22, 24, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 22, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। मुहूर्त विभाग के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी तारीख 1, 2, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 22, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। दोस्तों भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 27 फरवरी तारीख 7। दोस्तों देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया नहीं है दोस्तों, इस माह से कोई मुहूर्त इसके लिए नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है, कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों दिन अच्छा नहीं है, क्षय तिथि दिन है, क्योंकि तिथि जो है दोनों सूर्योदय को हाजिर नहीं थी। दिन विशेष दोस्तों विनायकी चतुर्थी है और भोगी है। मकर संक्रांति का पर्व आज से शुरू हो रहा है दोस्तों, भोगी कल मकर संक्रांति और फिर किंक्रांति, ऐसा 3 दिन का ये उत्सव होता है दोस्तों। रवि राशि बदल कर रहा है धनु राशि से निकलकर वो मकर राशि में अपने पुत्र शनि के राशि में जा रहे हैं, तो देर रात 2:43 पर ये उसका राशि बदल होगा दोस्तों। इसको ही मकरायन कहा गया है दोस्तों। भद्रा योग दोस्तों शाम 6:28 के बाद है दोस्तों, यह अशुभ योग है, इसमें शुभ काम ना करें। वैसे तो भोगी है और दिन अच्छा नहीं है, क्षय तिथि अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसके लिए अब आप जो रेगुलर आपका हवन हवन है वही आप कर सकते हैं, नया कोई नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों भोगी के लिए मुझे और एक आपके लिए मशवरा है कि कल आपको मिक्स जो भाजी रहती है, कम से कम 8-10 भाजियां उसमें रहती है, तो उस भाजी का जो नैवेद्य होता है वो अपने देवताओं को आपको बताना है दोस्तों। और एक कर्म कांड करना है कि जो स्त्री को पुत्र होगा, ऐसी पुत्री सवाष्ण स्त्री जो होती है उसे अपने घर बुलाकर उसका मान सम्मान करें, उसे अन्न वस्त्र दक्षिणा और जो भी आप दे सकते हैं, उसके गोटी भरेंगे, उसका जो भी सौभाग्य अलंकार बोलो या आप जो भी दे सकते हैं वो उसे देना है। अगर वो नहीं खाती है, दूसरे के घर का अनाज परान्न नहीं दी तो आप उसे सीधा जो जिसे हम केवल ऐसा चावल गेहूं जो होता है, सब्जी होता है, तेल होता है, तूप होता है, तो ऐसी चीजें हम जो खाना बनाने के लिए रखता है वो सभी चीजें हम उसको देंगे दोस्तों, तब जाकर हमें इसका पुण्य अपने नाम पर जमा होगा दोस्तों। दोस्तों राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में आप अपना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बनता है तो उसे छोड़ दो, उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि राहु आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों।
दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कॉमेंट्स बॉक्स में आप अपना कॉमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात जो है होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। हरिओम, शिव शंभो महा।